पूरा क्रेडिट मैं अपने पूरे स्कूल मैनेजमेंट मेंबर्स, सारे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स और खास करके मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरिट में आने के लिए शुरू से ही बहुत मेहनत की है। स्कूल का जब फर्स्ट दिन था, प्लस टू क्लास का जब फर्स्ट दिन था, उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी मैंने मेहनत। सभी ने बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट किया है, बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है। स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से बोला था कि आपको करना ही होगा, मेरिट में आना ही होगा, और इसके लिए पहले से ही मोटिवेशन मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया है टीचर ने। बीच बीच में मतलब हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बुलाते थे ऑफिस और मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते थे। बस यही सारी चीज़ें दिमाग में रहती थी और बस मेहनत करता था। दिन के 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई में ऑब्वियसली देता ही था, और ये बस कम से कम 8-10 घंटे थे। जब पेपर्स वगैरह आते तो मैं अपना स्लीपिंग टाइम थोड़ा कम करके और ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करता था। अच्छा अच्छा हाँ 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 बताइए सर, बताइए। यहाँ फोन आ रहा है सर। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और ये कुल्लू साइंस स्कूल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और कुल्लू साइंस स्कूल के साथ में पूरे ज़िला कुल्लू के लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रकाश जैसा होनहार छात्र जो पूरे कुल्लू का जिसने नाम रोशन किया है और हिमाचल बोर्ड के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम किया है 99.4% लेके, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं इसके लिए प्रकाश को, उनके सभी टीचर्स को, मैनेजमेंट को, अपने स्कूल के स्टाफ को और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं देखता हूँ सर, किस में कर लेते हैं। चेहरा